नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आरबीसी 24 सिटी लेवल। लेकर मैं हूँ आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे वॉर की। तो यूक्रेन में फंसे मेडिकल छात्र का वीडियो सामने आया है। जी हाँ, तो परिजन ने भी सरकार से गुहार लगाई है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित एयरपोर्ट में छात्र फंसे हैं और जांजगीर जिले के मालखरौंदा के मुक्ता गांव के रहने वाले हैं। तो यूक्रेन और रूस के बीच जो तनाव की स्थिति, युद्ध का आज दूसरा दिन, तो मेडिकल छात्र का वीडियो यहां पर सामने आया है और परिजन ने भी सरकार से अब मदद की गुहार लगाई है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित एयरपोर्ट में ये छात्र फंसे हुए हैं और जांजगीर जिले के मालखरौंदा के मुक्ता गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। क्लियर कर रहे हैं कि ट्विन सिटी के हम कब्जे में कर रहे हैं करके। उस टाइम पूरा यहाँ का नेटवर्क जाम था, नेटवर्क जाम था। कुछ भी ओला उबर ट्रेन बसेस आल आर कुछ भी बहुत हम कह रहा था यहाँ पे। हम लोग किसी तरह से यहाँ से जैसे जैसे ही जो है यूक्रेन के एयरपोर्ट में फंसा हुआ है, वो लोग उन लोगों का आज 3 बजे का फ्लाइट था, जिनका फ्लाइट पकड़ने के लिए वो अपने मेडिकल यूनिवर्सिटी से निकल गए थे। जांजगीर से राजकुमार हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार, वीडियो सामने आया है, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। अभी उनके परिजनों से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ कह रहे हैं वो? देखिए ऋतु, जांजगीर चांपा जिले के कई छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए हैं, वो वहां पर यूक्रेन में फंसे हुए हैं और ऐसे छात्र जांजगीर के भी हैं। और ये जो अभी वीडियो सामने आया है, इसमें ये मालखरौंदा क्षेत्र के मुक्ता गांव के ये छात्र है जिसका नाम राजेश गबेल है। ये वहां पर यूक्रेन के जो राजधानी है कि वहां के एयरपोर्ट में फंसे हैं। कल इनकी भारत आने के लिए फ्लाइट थी, जिसके बाद से ये मेडिकल यूनिवर्सिटी से ये एयरपोर्ट पहुंचे थे और जिसके बाद से ये फ्लाइट रद्द हो गई और जिसके बाद से वहाँ के बेसमेंट में ये जो छात्र हैं वहाँ पे हैं। और इसमें परिजन से हमारी बात हुई है, इनका परिजन जो है राजेश गबेल के भाई मुकेश गबेल और उनकी माँ तेज कुमार गबेल, इन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि किसी भी तरीके से दूतावास से संपर्क करके इन जो फंसे हैं यूक्रेन में उन छात्रों को भारत लाया जाए। और लगातार इसके लिए वो भारत सरकार से अपील कर रहे हैं और अपनी गुहार लगा रहे हैं। और यहाँ पर जांजगीर के भी जो छात्र हैं आयुष शुक्ला, उनसे भी हमारी बात हुई, उनके परिजन से भी बात हुई। ये है कि वहाँ पर ये छात्र भी वहाँ पर फंसे हुए हैं और जिस तरह से वहाँ पे यूक्रेन में बमबारी हो रही है उसके बाद से इनका कहना है कि ये वहाँ पर बेसमेंट में नीचे हैं और जहाँ पर अभी फिलहाल वहाँ की जो स्थिति है वो एक तरह से काफी बेहतर नहीं कहा जा सकती क्योंकि लगातार उस इलाके में बमबारी हो रही है। तो फिलहाल जो परिवार की चिंता है वो काफी बड़ी है और लगातार वे भारत सरकार से इन छात्रों को भारत लाने की गुहार लगा रहे हैं। जी ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका जानकारी के लिए।